राजस्थान शासन सचिवालय में सरकारी कर्मचारी बताकर रीट एग्जाम में फेल हुए व्यक्तियों को नंबर बढ़ाकर पास करने व नियुक्ति देने के मामले में अजमेर पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीकानेर का रहने वाला है और अजमेर की रहने वाली दो महिलाओं को रीट एग्जाम में पास कर नियुक्ति पत्र देने की एवज में 5-5 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। अजमेर की क्लब टावर थाना पुलिस ने आरोपी अभिषेक डांगा को जयपुर से गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए क्लब टावर थाना अधिकारी सूर्यबान सिंह चुंडावत ने बताया कि दिनांक 18 मार्च 2019 को थाना क्षेत्र के पटेल नगर में रहने वाले जगदीश लखानी ने मामला दर्ज कराया कि उनकी पत्नी श्वेता गुप्ता व पड़ोसी खुशबू गहलोत रीट एग्जाम में असफल रही थी और इसी दौरान उनकी दुकान पर बीकानेर निवासी अभिषेक डांगा पहुंचा और उसने अपने आप को सचिवालय में सरकारी कर्मचारी बताया व दोनों को पास कराने और नियुक्ति दिलाने की बात कही। यहां तक कि आरोपी ने फर्जी सिल्वर दस्तावेज बनाकर दोनों की नियुक्ति पत्र भी भेज दिए। इसकी एवज में आरोपी अभिषेक ने दोनों से 5-5 लाख रुपए लिए, लेकिन जब उन्हें नियुक्ति पत्र को लेकर शिक्षा विभाग पहुंचे तो वहां उन्होंने पत्रों को फर्जी करार दे दिया और तब पता चला कि वह ठगी के शिकार हो गए। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश करते हुए आरोपी अभिषेक डांगा को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी से विभिन्न फर्जी दस्तावेज सील के साथ ही रकम को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे कि ठगी की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रकम को बरामद किया जा सके। इसके साथ ही अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी पर बीकानेर में भी 420 करने का मुकदमा चल रहा है। दिनांक 18/5 को इसी साल की जगदीश लखानी है, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी पत्नी और उनके कॉलोनी में रहने वाले, ये लोग पटेल नगर में रहते हैं, खुशबू गहलोत और श्वेता गुप्ता, इन दोनों से एक व्यक्ति है, ये पूर्व में रिद्धि पैलेस नाला बाजार में एक होटल है, वहाँ जगदीश जी काम करते थे। उस होटल में काम करने के दौरान ही इनकी जान पहचान बीकानेर रहने वाले अभिषेक डागा से हो गई थी। अभिषेक डागा ने अपने आप को शासन सचिवालय में सरकारी कर्मचारी बताया और उन्हें बताया कि आपके कोई काम हो तो बताना। उसी बीच जो प्रार्थी जगदीश लखानी है, इनकी पत्नी है श्वेता गुप्ता, जगदीश जी की पत्नी है श्वेता गुप्ता, उन्होंने रीट की परीक्षा दी थी, उसमें वो असफल रही थी, तो रीट की परीक्षा में नंबर बढ़ाने और नियुक्ति पत्र देने के नाम पर अलग अलग टाइम पर अभिषेक डागा ने जगदीश लखानी से 5 लाख रुपए ले लिए थे। इसी प्रकार उनके कॉलोनी में रहने वाली खुशबू गहलोत, उनसे भी रीट की परीक्षा में पास करवाने, नंबर बढ़वाने और नियुक्ति पत्र देने के नाम पर उनसे भी 5 लाख रुपए ले लिए थे। इन दोनों से इन्होंने 5 लाख रुपए, 5 लाख एक से और 5 लाख दूसरे से कुल 10 लाख रुपये लिए थे। घटना के बाद से ही अपनी जगह जगह लोकेशन को चेंज कर रहा था, 24 घंटों से ज़्यादा कहीं रुक नहीं रहते। कल इनकी लोकेशन जयपुर आने पर यहाँ से कांस्टेबल सुभाष उसके साथ एक जाप्ता और भेजा गया, जिन्होंने इसको वहाँ से जयपुर से डिटेन करके लाए, इसको गिरफ्तार किया गया है और जो नियुक्ति पत्र दोनों पीड़िताओं को इसने दिए हैं उसमें एक को तो केकड़ी और एक को अजमेर में ही पोस्टिंग ऑर्डर्स भी दिए थे। उन पोस्टिंग ऑर्डर्स के बारे में जब उन पीड़िताओं ने पता किया डीओ ऑफिस में तो वो फर्जी पाए गए। तो ये फर्जी नियुक्ति पत्र इन्होंने कहाँ बनाए हैं, सील वगैरह कहाँ है, प्लस जो पैसे इन्होंने लिए वो कहाँ हैं, इसके संबंध में इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। नहीं, इनके विरुद्ध ये रिपोर्ट है और अब इनके साथ यदि और कोई संलिप्त रहा है तो उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। इनका नाम अभिषेक डागा है, ये बीकानेर के रहने वाले हैं।